नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर 134वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, जो कि भारत की ज्योग्राफी चल रही है और जिसमें देखिएगा यानी कि भारत के भूगोल में दोस्तों यहाँ पर हमने ये चार वीडियो कम्प्लीट करा दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये पांचवा वीडियो है दोस्तों यहाँ पर जो कि आज आपको कम्प्लीट करना होगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको रिट एग्जाम क्रैक करनी है, अगर क्लियर सिलेक्शन पाना है, मंजिल पानी है दोस्तों यहाँ पर, अपने मम्मी पापा या घर वालों का दोस्तों यहाँ पर सपना साकार करना है, तो दोस्तों यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट कवर करते हुए चलते जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है आपके मम्मी पापा क्या सोचते हैं जब वो खेत में काम करते हैं? यही सोचते हैं कि अब की बार हमारे जो बेटा का है उसका सिलेक्शन रेट में हो जाएगा, तो अगली साल हमें खेत में काम करना नहीं पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज अपने घर वालों के सपने को साकार करो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपका जो घर वाले है वो इसी में खुशी है दोस्तों यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन हो। आपकी जो सिस्टर है वो आपका एक ही सपना है दोस्तों यहाँ पर कि भाई का सिलेक्शन हो। कभी भाई का सिलेक्शन होगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो घर में है वो खुशहाली आए दोस्तों यहाँ पर। तो चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट करना दोस्तों यहाँ पर। टोटल प्रश्नों की संख्या है 50 है दोस्तों यहाँ पर, और 50 प्रश्न आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। कैसे भी करके इन 50 प्रश्नों को यानी कि भारत की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं से 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और बूंद बूंद से गड़ा भरता है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही हम प्रत्येक कवर यहाँ पर क्लियर करवा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा हम बता दे दोस्तों यहाँ पर आपको कि ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपको जो नदी घाटी परियोजना है वो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 11वीं के पाठ्यक्रम में दे रखा है, 10वीं के पाठ्यक्रम में दे रखा है और 9वीं के पाठ्यक्रम में दे रखा है दोस्तों यहां पर। अगर आपने पढ़ा होगा तो इनमें से 100% 50 में से 50 करोगे दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा ये जो सारी बुक है दोस्तों यहाँ पर आपकी यानी कि आरवीसी की बुक है दोस्तों यहाँ पर, हमारे सिस्टम पर अपडेट की गई है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ से आपके लिए यानी कि क्वेश्चन बैंक है वो तैयार किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन निकाले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जमकर इसको अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर और शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर यानी कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताना होगा करेक्ट आंसर। दामोदर घाटी परियोजना, भाकड़ा नांगल परियोजना, या फिर चंबल घाटी परियोजना, फिर हीराकुंड बांध परियोजना। तो दोस्तों इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, भाकड़ा नांगल बांध परियोजना हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइंड में छाप लो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न को, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना किसको कहते हैं जिसमें एक साथ बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है दोस्तों यहां पर, उसको बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, जिससे यहां पर बिजली बनाई जाती है, सिंचाई की जाती है, पेयजल की आपूर्ति की जाती है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्तों यहां पर, बताइएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा भाकड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, बताना होगा किस किस राज्यों की है दोस्तों यहां पर। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, या फिर हरियाणा पंजाब दिल्ली, या फिर पंजाब दिल्ली राजस्थान, या फिर पंजाब हरियाणा राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों यहां पर, भाकड़ा नांगल बांध संयुक्त परियोजना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, कौन सी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था दोस्तों यहां पर, और ये जो टेनेसी परियोजना है वो अमेरिका की है दोस्तों यहां पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली पूछे तो ध्यान रखना दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी दोस्तों यहां पर, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों यहां पर।
आपके सामने दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों यहाँ पर। जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आज यहाँ पर 76,000 स्टूडेंट कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 76,000 स्टूडेंट कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर लगभग 60,000 स्टूडेंट रिट के है दोस्तों यहाँ पर स्पेशल। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, बताएगा भाकड़ा नांगल बांध या फिर हीराकुंड बांध या फिर टेहरी बांध या फिर नागार्जुन बांध। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हीराकुंड बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्न को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी परियोजना, जो कि पंजाब और राजस्थान की नहीं है, केवल राजस्थान की है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नागार्जुन सागर बहुदेशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, ताप्ती पर, कोसी पर, गोदावरी पर या फिर कृष्णा पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत पाक बलिहार परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस पर एक में स्थित है, सतलज, ब्यास, झेलम या फिर चिनाब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर सभी का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, नर्मदा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा, देखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना, या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात की है दोस्तों यहां पर। इसकी सबसे कम जो हिस्सेदारी है वो राजस्थान की है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना होगा। देखिएगा यहां पर आपको बांध दे रखे है और बांध के आगे दोस्तों यहां पर राज दे रखे है, तो बताना होगा कि कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है। देखिएगा जवाहर सागर बांध आपको पता है कोटा में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने जब राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कराई थी तो राजस्थान की जितने भी छोटी बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है दोस्तों यहां पर। आपको ये ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों यहां पर, प्लेलिस्ट मैंने आपको दे रखी है सभी यहां पर कॉन्सेप्ट की। तो देखिएगा नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, शिव सुंदरम केरल में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, तो इसमें से आपको पहचानना होगा गलत जोड़ा। तो इसका गलत जोड़ा यही हो जाएगा दोस्तों यहां पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भाकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सतलज नदी पर है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर, इनको भी आप क्रैक कर लीजिएगा। अगला देखिएगा यहां पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो राज्य है दोस्तों यहां पर, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है दोस्तों यहां पर, राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहां पर है ये। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोंग प्रपात पर है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कौन सी है, दामोदर, भाकड़ा या फिर तंगभद्रा या फिर कोसी। तो आपका बिल्कुल सही दे रहे हो सभी, यहां पर तंगभद्रा हो जाएगी दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की यानी कि महत्वपूर्ण जो बहुउद्देशीय नदी घाटी है वो तंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। अगला देखिएगा यहां पर, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान में। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से लाभान्वित राज्य है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रिहंद बांध परियोजना से दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर पनामा परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका आप करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पनामा परियोजना है वो यहाँ पर गुजरात राज्य में स्थित हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है बताइएगा। तो दोस्तों इस जो राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो यहां पर हो जाएगी दोस्तों यहां पर, यानी कि 45% की हिस्सेदारी राजस्थान की है इसमें, और माही बजाज सागर परियोजना में दूसरी जो हिस्सेदारी है वो यहां पर गुजरात की हिस्सेदारी है दोस्तों यहां पर, और गुजरात की है वो 55% हिस्सेदारी है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में पानी प्राप्त होता है, ऑप्शन आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो सभी यहां पर, यानी कि जालौर बाड़मेर जिले, जी हां दोस्तों यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन और है आपके देखिएगा, यानी कि जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी पर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये गोदावरी नदी पर है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कांकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है, ताप्ती, नर्मदा, तंगभद्रा या फिर कृष्णा पे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, रावी नदी पर, ताप्ती नदी पर, ब्यास नदी पर या फिर चंबल नदी पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों यहां पर ब्यास नदी पर ये जो बांध बनाया गया है दोस्तों यहां पर पोंग बांध बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, मैंने आपको राजस्थान की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में ये क्वेश्चन करवा दिया है दोस्तों यहां पर। तो इसका आंसर दोस्तों यहां पर बताइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये चंबल नदी पर है, और ध्यान रखना चंबल नदी पर चार बांध स्थित है दोस्तों यहां पर, इनमें से पूछा जाता है एक गांधी सागर है दोस्तों यहां पर जो कि एमपी में है दोस्तों यहां पर, दूसरा दोस्तों यहां पर राणा प्रताप सागर है वो राजस्थान में है, तीसरा यहां पर दोस्तों यहां पर तीसरा और चौथा दोस्तों यहां पर कोटा में है, कोटा बैराज बांध है दोस्तों यहां पर, और जवाहर सागर बांध है दोनों कोटा में है दोस्तों यहां पर, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में है और गांधी सागर एमपी में है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, देखिएगा टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों यहां पर कहां पर है, भागीरथी नदी पर, नागार्जुन डैम पे दोस्तों यहां पर जो कृष्णा नदी या फिर गांधी सागर बांध, चंबल नदी या फिर सरदार सरोवर बांध, यमुना नदी। तो इसमें से आपको गलत आपको जोड़ा पहचानना होगा, तो गलत जोड़ा हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यही सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर है दोस्तों यहां पर, गुजरात में है दोस्तों यहां पर ये, और वैसे यहां पर दे रखा है यमुना नदी पर दे रखा है, यमुना नदी पर नहीं है ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नागार्जुन सागर परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, गोदावरी, कृष्णा या फिर भागीरथी या फिर कोसी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हीराकुंड बांध है दोस्तों यहां पर ये महानदी पर बनाया गया है दोस्तों यहां पर, और महानदी का जो पानी है दोस्तों यहां पर इस बांध पर आता है, हीराकुंड बांध पर दोस्तों यहां पर, भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों यहां पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में है दोस्तों यहां पर, ये ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर यूएसए की टीबीएस टेंसी अथॉरिटीज जैसी परियोजना भारत में है, ये कौन सी परियोजना है दोस्तों यहां पर बताएगा, जो कि यूएसए की जो टीए और टेंसी परियोजना है उन जैसी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना हो जाएगी दामोदर घाटी परियोजना। अगला देखिएगा यहां पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भागीरथी नदी पर है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मात्र 10 सेकंड की मैं सांस ले लेता हूं दोस्तों यहां पर, एक बार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, यहां पर 10 सेकंड का समय ले रहा हूं मात्र बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों, यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है, ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है दोस्तों यहां पर, ये तो बताना होगा कौन सी नदी पर ये पूछा जाता है दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि सतलज और ब्यास नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है दोस्तों यहां पर, पहले फटर का निर्माण किया गया है दोस्तों यहां पर, उसके बाद नहर निकाली गई है दोस्तों यहां पर राजस्थान के लिए। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है कौन सी है, यमुना नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर या फिर सरद हिंद नहर या फिर ऊपरी बड़ी दोआब नहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर केरल में हो जाएगी दोस्तों यहां पर, और ध्यान रखना केरल से संबंधित नदी है दोस्तों यहां पर पेरियार नदी है, और पेरियार नदी पर जल परियोजना बनाई गई है पेरियार जल विद्युत परियोजना, और पेरियार दोस्तों यहां पर पेरियार यहां पर अभ्यारण भी स्थित है दोस्तों यहां पर इस नदी के किनारे पर यहां पर केरल में, यह भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताना होगा महाराष्ट्र में उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर भाकड़ा तंगभद्रा या फिर कोसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तंगभद्रा हो जाएंगे दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला देखिएगा यहां पर कंटक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश की है संयुक्त परियोजना है। अगला देखिएगा यहां पर रिहंद बांध परियोजना किन दो राज्यों की सिंचाई परियोजना है, बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सलाल जल विद्युत परियोजना किन राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में है एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना। अगला देखिएगा यहां पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था, गोदावरी कावेरी दामोदर या फिर सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बताएगा। तो इसका दामोदर हो जाएगी दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर भाकड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है, बताएगा कौन सा राज्य है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा पंजाब और राजस्थान। अगला देखिएगा यहां पर हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बताना होगा। चलो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहां पर कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, कृष्णा सतलज चंबल या फिर महानदी पर, सबका आंसर कॉमेंट बॉक्स में आना चाहिए दोस्तों यहां पर। और प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहां पर, आपकी राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कंप्लीट वो भी कर ली होगी और ये भी कर ली होगी, टोटल प्रश्नों की संख्या है दोनों में लगभग 100 से ऊपर है दोस्तों यहां पर, यानी कि 70 उसमें है और लगभग 120 के समथिंग है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के आपके रेट के लिए। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताएगा, देखिएगा
हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप, गोविंद सागर या फिर जवाहर सागर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गोविंद सागर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर यानी कि चंबल घाटी परियोजना में नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर, गांधी सागर बांध स्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। गांधी सागर बांध हो जाएगा चंबल नदी पर है दोस्तों यहाँ पर, और चंबल नदी पर दोस्तों यहाँ पर चार डैम बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। चार बांधों में से दोस्तों यहाँ पर एक जो बांध है गांधी सागर है वो एमपी में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और तीन बांध राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की एकमात्र नदी जिस पर यानी कि कम दायरे के अंतर्गत चार बांधों का निर्माण किया गया है दोस्तों यहाँ पर, और गहरे गाज का निर्माण करती है दोस्तों यहाँ पर, ये चंबल नदी हो जाएगी। चंबल नदी ध्यान रखना चूलिया जलप्रपात बनाती है दोस्तों यहाँ पर, चौरासीगढ़ पर राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों यहाँ पर। चौरासीगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ये भी याद कर लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्न में से है कौन सी है? माही बजाज सागर, बीसलपुर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना या फिर चंबल परियोजना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंबल परियोजना हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की टोटल दोनों की जो संयुक्त परियोजना है दोस्तों यहाँ पर 50-50 है, ये ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। दोनों का 50-50% की हिस्सेदारी है दोस्तों यहाँ पर चंबल में। अगला देखिएगा यहाँ पर, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 5, 6, 7 या फिर 9? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 लिफ्ट नहर है दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में जल संग्रहण की परंपरागत विधि है कौन सी है? खड़े है, नाड़ी है या फिर टांका है या फिर उपयोग सभी है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, उपयोग सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने ये 50 प्रश्न याद कर लिया है दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से। अगर आपको यहाँ पर 70 से 80% याद हुए है दोस्तों यहाँ पर, तो एक बार वीडियो को एक बार पुनः जरूर देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि 100% आपको ये याद हो जाए और 100% एक क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट करके आओगे दोस्तों यहाँ पर 100%, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों यहाँ पर, और उस घड़े को आपको 26 सितंबर से पहले भर लेना है दोस्तों यहाँ पर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर, कि आपका जो कोर्स है आपके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर, कि यहाँ पर 15 सितंबर को आपको कंप्लीट करना है दोस्तों यहाँ पर सभी सब्जेक्ट 15 सितंबर को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास 11 दिन का समय बचता है, उस 11 दिन में दोस्तों यहाँ पर यानी कि एक बार फिर से पुनः पूरा कोर्स कंप्लीट करना है दोस्तों यहाँ पर, तब जाके आपकी यानी कि जो तैयारी है वो पावरफुल तैयारी होगी दोस्तों यहाँ पर। आप किसी भी एग्जाम में नहीं रुकने वाले दोस्तों यहाँ पर, चाहे आप वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान SI, राजस्थान पुलिस, पटवार, चाहे रेड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, सबके लिए इस तरह यानी कि पढ़ने का तरीका अपनाना होगा। और जितना हो सके अपनी बुक को आप मार्कर करने लग जाइए, और जितना हो सके मॉडल टेस्ट पेपर कर लीजिए दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट तो लगभग कंप्लीट हो ही चुके हैं, अब आपको मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज निकालनी होगी दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है दोस्तों यहां पर, वो छठे नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि भारत की मिट्टी एवं कृषि फसल आएंगी दोस्तों यहां पर। इसमें टोटल प्रश्न होंगे 50 होंगे दोस्तों यहां पर, जो कि आपके रीट से संबंधित होंगे दोस्तों यहां पर सभी, तो इसको भी कंप्लीट कर ले। और ये आपके ज्योग्राफी में ये वीडियो हमने कंप्लीट करवा दिए दोस्तों यहां पर, यानी कि 130, 131, 132 और 133 वीडियो नंबर, इसके बीच में हमने मॉडल टेस्ट पेपर भी डाले गए हैं दोस्तों यहां पर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके अपने YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों यहां पर। एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। बहुत जल्द आपके लिए अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।